पहले कि बिंदुबा आ जाए मैं अपना काम कर लूं। ऐ हरी भरी सब्ज परी, पिटारी से निकल और दिखा अपनी शकल। ऐ मेरी प्यारी प्यारी सब्ज परी, जल्दी निकल जल्दी निकल। शाबाश शाबाश। क्या है बिन रज़ाक, क्यों मुझे अपनी पिटारी में आराम नहीं करने देता, क्यों मुझे सताता है? नाराज ना हो सब परी, काम ही ऐसा है कि मुझे तुम्हें सताना पड़ा, नींद से जगाना पड़ा। हा? मुझे बहुत नींद आ रही है, जल्द बता क्या चाहता है? हाँ, मैं समंदर की तह में जाना चाहता हूँ। तो जा, कूद जा समंदर में, मुझसे क्या पूछता है? खसकम जहाँ पा। अरे 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 अरे, डांट क्यों रही हो सब परी? वैसे ही कम्बा, दिलदुबा की डांट खा खा कर परेशान हो गया हूँ मैं। ठहर जा बिन रज़ाक, मैं तुझे बाद में बताती हूँ, पहले पहले इसे तो देखूं, ये कौन सी नागन है? ऐ सब्ज परी, गुस्सा थूक दे हाँ, दिलरुबा की तरह अकड़ने की कोशिश मत कर। समंदर के अंदर जिंदा चला भी गया तो मर कहीं वापस आएगा। ऐ सब्ज परी, तू अपने आका से जबान लगा रही है, बदतमीज, सीधे सीधे बताओ वरना। वरना क्या, तू मुझे मार डालेगा? ऐ सब्ज परी, मेरी परी सब्ज परी, तुझे नींद आ रही थी, ऐ तू सोना चाहती थी ना, ऐ तो जल्दी से बता कि मैं समंदर के अंदर कैसे सफर कर सकता हूँ, बस इतना सा बता दे। और तू जा कर सो जा, चल जल्दी बता। समंदर के अंदर जिंदा जाकर जिंदा वापस आना नामुमकिन है, अलबत्ता अगर समंदरी कालीन हो तो उस पर सवार होकर सफर किया जा सकता है। और वो समंदरी कालीन मुझे मिलेगा कैसे, और किसके पास है वो समंदरी कालीन? समंदर के अंदर ही है और ये कालीन सिंधबाद के कब्जे में है। सिंधबाद के कब्जे में है, फिर सिंधबाद, बार बार सिंधबाद, ना जाने कब पीछा छूटेगा इस कमबख्त सिंधबाद से, बड़ी मुश्किल है। सब परी, तुम्हारे पास दूसरा कोई समंद्री कालीन है क्या? तिलिस्मी समंद्री कालीन जिंदा ने अजल की पासबान जकाला का खास तिलिस्म है, मगर ना तो तू जकाला के पास जा सकता है, नहीं जकाला तुझे समंदरी कालीन देने की हिमाकत करेगी। तब तो एक ही रास्ता रह जाता है, और वो है कि मैं अपनी तलवार के जोर पर सिंधबाद से वो तिलस्मी कालीन छीन लूं। एक कज़ा कज़ाकी लूटमार छीने झपटे के सिवा और कर भी क्या सकता है? जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। ऐ सब्ज़ परी, मेरी प्यारी प्यारी परी, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, मगर पहले सिंधबाद के जहाज का पता तो बता कि वो कहाँ है, किस सिंध में गया है। सिंधबाद का जहाज ज्यादा दूर नहीं गया है, अगर तुम अपना जहाज दुगनी रफ्तार से सीधी सिंध में चलाते रहोगे तो सिंधबाद का जहाज जल्दी नजर आ जाएगा। ये हुई ना बात, अब तू जा जा अपनी पिटारी में जाकर सो जा, जा। खुदाया, मैं गुमराह था,
और गुमराही में मुझसे कई गुना सरजद हुए। तू इस गुनहगार बंदे के गुनाहों को माफ फरमा और मुझे नेक राह दिखा। आमीन। हरी भरी सब्ज परी मेरी प्यारी प्यारी हरी भरी सब्ज पर दिलरुबा तुम मर गई। दिलरुबा दिलरुबा मुझे कहते हो और दिल दिल उस परी से लगाते हो। नहीं 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 ये सच नहीं है। मेरी प्यारी प्यारी परी किससे कह रहे थे? अरे बेदर्द कान तो छोड़, बहुत दर्द हो रहा है। अरे बताऊंगा कैसे। ठीक है बताओ। अरे वो तो मैं तुम्ही को कह रहा था। झूठ मत बोलो बिन रजा, मैंने सब देख लिया है। मेरे पीछे पीछे अकेले में मेरे ही कमरे में तुम उस परी के साथ गुलझरे उड़ाते हो। क्यों? तब से चल रही हो आशकाना। तौबा 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 तौबा, मेरी जान की तौबा, मेरे खानदान की तौबा, जो मैंने तुम्हारे सिवा किसी से इश्क किया हो। बस बस रहने दो, मैं सब जानती हूँ। हसीन लड़कियों को देखकर तुम्हारे मुझसे राल टपकने लगती है। और वो तो परी है, पता नहीं कहाँ से लाए हो उसे मेरे सिरे पर मुंह डलने के लिए। दिलरुबा मैं तुम्हें सब समझा देता हूँ। हाँ समझाओगे? मैं सब समझ गई हूँ। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। दिलरुबा खबर ताकि मुझे छुआ तो तुम तो उसे परी से पेंगे बढ़ाओ, मोहब्बत करो, इश्क फरमाओ। अरे अरे मैं तुम्ही से इश्क करके पछता रहा हूँ कि दूसरी बला को कैसे गले लगा सकता हूँ। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे बला कहा? मेरा मतलब परी से था, उससे मैं कैसे इश्क कर सकता हूँ? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं उसे फौरन तलब करके तुम्हारी गलत फहमी दूर करता हूँ। रुको सब्ज परी, मैं मुसीबत में पड़ा हूँ, जल्दी से बाहर आ, अभी आ जाओ सब्ज परी। क्या है कज़ाक लुटेरे, क्यों मेरी नींद सुख चैन को भी लूटना चाहता है? क्यों मुझे बार बार तलब करता है? ऐ सब्ज परी, मेरी जान मुश्किल में है पड़ी। ये दिलरुबा है ना, इसे शक हो गया है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे इश्क करता हूँ। लंगूर के मुंह में अंगूर, कभी नहीं। बिन रज़ाक तू तो नफरत के काबिल भी नहीं है, तुझसे मोहब्बत तो कोई दीवानी ही कर सकती है। दीवानी? बिन रज़ाक ये चुड़ैल मुझे दीवानी कह रही है। अभी इसे इसमें बंद कर दो, मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। सब्ज़ परी तुम जल्दी से आके पिटारी में आके छुप जाओ। आओ आओ। दिलरुबा अब तुम्हें यकीन हो गया ना कि ये सब्ज़ परी मुझसे मोहब्बत नहीं नफरत करती है। हाँ बिन रज़ाक, तुमसे तो सिर्फ मैं ही मोहब्बत कर सकती हूँ, क्योंकि मैं दीवानी हूँ, तुम्हारी दीवानी। मेरी दिलरुबा। बहरे ओकियानूस का साहिल आ गया है आका सिंबाद, अब मैं आपसे रुखसत होने पर मजबूर हूँ। मैं जानता हूँ शहजादी तस्वीर, जिस तरह मैं और समंदर की शहजादी सदफ तुम्हारी मदद के बगैर आसमान में नहीं उड़ सकते, उसी तरह तुम भी समंदर के गहरे पानी में नहीं उतर सकते। हाँ आकाश सिंधबाद, अब इजाजत चाहती हूँ। तुम्हारी इस मदद का शुक्रिया शहजादी तस्वीर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज शहजादी तस्वीर, सदफ अलमाज भी तुम्हारी शुक्रगुजार है। खुदा हाफिज। दिल्ली में समंदरी कालीन हाजिर हो।
समंदरी कालीन हाजिर है आका। चलो शहजादी सदा फलमास। क्या आपको जमशेद आदि के महल में ले चलू? तूने समझदारी की बात की है तिलिस्म कालीन, हमें वहीं ले चल। जो हुक्म आका। जमाल अब्दुल, जमाल जहाज को तेजी से आगे बढ़ाओ। जहाज तो आगे बढ़ ही रहा है सरदार। मैंने कहा तेजी से आगे बढ़ा, दुगनी रफ्तार से। दुगनी रफ्तार से? वो भला क्यों सरदार? हमें जल्द से जल्द सिंधबाद के जहाज तक पहुंचना है। सिंधबाद के जहाज तक पहुंचना? क्यों? इसलिए कि मुझे सिंधबाद चाहिए। सिंधबाद का क्या अचार डालेंगे सरदार? जमाल जबान संभाल, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। सरदार आप ही ने तो कहा था कि सिंधबाद का क्या अचार डालेंगे। खजाना तो मिल ही गया है। खजाना हाथ आते आते हाथ से निकला जा रहा है, इसलिए मुझे सिंधबाद की जरूरत है। तुम बस जहाज को दुगनी रफ्तार से आगे चला। अगर हम जहाज तक पहुंच गए और सिंधबाद जहाज पर ना हुआ तो? हाँ सरदार, जमाल की बात में दम है। ये दज्जाल का बच्चा जिसे मैं आज तक अहमक समझता था, आजकल अकलमंदी की बातें करने लगा है। वाकई वाकई अगर सिंधबाद जहाज पर नहीं हुआ तो जहाज तक पहुंचने की मेरी सारी मेहनत गारत हो जाएगी। इस सब परी ने मुझे आधी बात बताकर और आधी बात छुपाकर मुझसे धोखा किया है। उसने ये तो बताया कि समंदरी कालीन सिंधबाद के पास है, मगर ये नहीं बताया कि सिंधबाद कहाँ है। क्या सोच रहे सरदार? मुझे तो लगता है खजाने का लालच बेकार है और खजाना हमारे हाथ नहीं आएगा। सरदार खामोश खामोश। जमाल खजाना मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं अभी मालूम करके आता हूँ कि सिंधबाद कहाँ है। अगर पूछोगे किसे सरदार? मिंडकी से, हरी भरी मिंडकी से। देखी है कभी? मैंने देखी भी है और पकड़ कर रखी भी है पिटारी में। मिंडकी रानी, मिंडकी रानी, सुना सिंधबाद की कहानी। दज्जाल अब्दुल, खजाना मिलेगा। मिनकी रानी सुना सिंधबाद। खजाने के चक्कर में लगता है सरदार का दिमाग खराब हो गया है। कभी कहता है जहाज उधर ले लो, कभी कहता है जहाज इधर ले लो। कई दिन से तमाशा देख रहा हूँ। खजाने के चक्कर में सरदार ने हम सबको घनचक्कर बना दिया है। तुम ठीक ही कह रहे हो जमाल, हमें ही घनचक्कर नहीं बनाया, खुद भी घनचक्कर बन गया है। देखा नहीं कैसे बड़बड़ा रहा था, मेडकी रानी मेडकी रानी। कज़ाक लुटेरे, तू मुझ पर क्यों इस कदर लाल पीला हो रहा है? मैं इसलिए लाल पीला हो रहा हूँ कि तूने मुझे बताया नहीं कि सिंधबाद कहाँ है। तूने पूछा कब था? जो मैं बताती मैं खुद तुझे जान लेना चाहिए था कि समंदरी कालीन के लिए मैं सिंधबाद के ही पीछे जाऊंगा, तो तुझे बताना चाहिए था कि सिंधबाद जहाज पर है या नहीं। तूने जितना पूछा उतना मैंने बताया। यानी तू मुझसे धोखा कर रही है, बेवफाई कर रही है? हा? वफादारी मर्जी से होती है, मजबूरी से नहीं। मैं तेरी वफादार नहीं हूँ, मुझसे वफादारी की उम्मीद न कर। मैं तेरी गुलाम हूँ और तेरी गुलामी मेरी मजबूरी है।
चलो यूं ही सही, अपने आका के हुक्म की तामील कर। बता बता सिंदबाद किस वक्त जहाज पर है या कहीं और? सिंदबाद इस वक्त जहाज पर नहीं है, बल्कि समंदर के अंदर है। समंदर के अंदर? हाँ। तब तो जरूर समंदरी कालीन के जरिए ही गया होगा। मगर बता बता समंदर के किस इलाके में है? वो बहरे ओकियानूस के शहरे आबे रवा में है। शहरे आबे रवा में? जमाल, अब्दुल, अब क्या मुसीबत आ गई सरदार को? जहाज को मगरिब की तरफ मोड़ दो। हाँ, हम बहरे ओकियानूस की तरफ जाएंगे। हाँ, समझे? अब्दुल, मुझे लगता है कि सरदार खजाने की फेर में हम सबको बहरे ओकियानूस में डुबोएगा। मुझे भी लगता है। बेटी सदा फरमास, मेरी बच्ची। शाह जमशेद अभी शहजादी सदा फरमास शाह कोकब के तिलिस्म से आजाद हो चुकी है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी ठीक हो गई। शाह बाबा, मैंने आपके सामने बेहयाई से शहजादा अम्मार से मोहब्बत का इजहार किया था, हालांकि वो सिर्फ तिलिस्म का असर था, फिर भी मैं शर्मिंदा हूँ। उन बातों को भूल जाओ बेटी। बाबा, अब आप तिलिस्म की किताब देखकर सिंदबाद को जीने गरकाब के जलमहल तक जाने का रास्ता बता दें। जरूर। क्या अब वो पहले वाली तीसरी शर्त नहीं लगाओगी? सिंदबाद, मैं वैसे ही शर्मिंदा हूँ, अब आप मुझे क्यों और शर्मसार कर रहे हैं? वैसे भी आपने तीसरी शर्त पूरी कर दी है, लिहाजा अब कोई शर्त नहीं है। शाह बाबा, आप तिलिस्म की किताब देखकर सिंदबाद को रास्ता बताएं। अच्छा बेटी। सिंदबाद जिन्हें गरकाब तक पहुंचने का रास्ता उसी मकाम इबरत में है जहां मैं कैद था, यानी उसी फौलादी पिंजरे के अंदर। सिंदबाद, पिंजरे के अंदर एक तिलिस्मी शमा है जिसे रोशन करने से जिन्हें गरकाब के महल तक जाने वाला खुफिया दरवाजा खुल जाएगा। मगर समंदर के अंदर वो शमा रोशन कैसे होगी? तिलिस्मी शमा तिलिस्म से ही रोशन होती है, और इस शमा की खूबी ये है कि ये पानी में भी जलती है और पिघलती भी नहीं। मगर वो शमा किस तिलिस्म से जलेगी? बुझी हुई तिलिस्मी शमा को जब तुम मेरा नाम लेकर रोशन होने का हुक्म दोगे तो वो शमा रोशन हो जाएगी और तुम्हें अपनी मंजिल पर जाने का रास्ता मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शहजादी सदा फरमास, अब मैं सुबह ही अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना चाहूंगा।
इसलिए इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।